हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा एक पिगमेंटेशन हमारे स्किन के मेलेनिज्म को हटाने वाली एक क्रीम के बारे में। देखो गाइस, ये आपको एक मैं बात क्लियर कर देता हूं, मैं ये ना एक ये ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई क्रीम बताना, क्रीम तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसको कैसे क्या यूज करना। देखो, इससे हमारे स्किन पर साइड इफेक्ट्स भी होता है, मैं आपको पहले से डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। इससे हमारा साइड इफेक्ट्स भी होता है लेकिन गाइस, इसको अगर सही तरह से यूज करते हैं तो हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होगा। कैसे क्या नहीं होगा, इसका यूज करने का सही तरीका आपको मैं बताऊंगा। इस क्रीम का आपको नाम बताऊंगा, आपको कैसे क्या परचेस करना वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं ये भी बताऊंगा इसके अंदर क्या मिक्स करके आपको यूज करना है, जिससे आपकी स्किन का मेलेनिज्म और पिगमेंटेशन खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहना, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। देखो, थोड़ी वॉइस थोड़ी बाहर से थोड़ी ज्यादा आएगी क्योंकि सभी बाहर कोई लोग आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। इस वॉइस पे ही ध्यान देना, जो अच्छी तरह से आप सुनोगे तो आपकी स्किन के मेलेनिज्म और पिगमेंटेशन का बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया हूं, तो प्लीज वीडियो में बने रहना। देखो गाइस, इस क्रीम का नाम है स्किन लाइट क्रीम, जिसके बारे में आपने ढेरों सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी और इसके बारे में आपने जाना होगा कि इससे कितने क्या सारे क्या ढेरों सारे साइड इफेक्ट्स है। अब इसको कैसे क्या यूज करना मैं आपको बता दूंगा, एंड तक इस वीडियो में बने रहो। देखो गाइस, पहले इस क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो गाइस, ये क्रीम एक स्टेरॉइड क्रीम है जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स बना देता है, स्किन को रेडनेस बना देता है। लेकिन गाइस, हमारे को इस क्रीम को पूरा फेस पे यूज नहीं करना है, हमारे को ओनली फॉर पिगमेंटेशन और मेलेनिज्मा पर ही यूज करना है। जैसे जो पच के निशान बड़े बड़े पड़ जाते हैं ना हमारी स्किन पे, उस पर ही यूज करना है। जैसे झाइयों के निशान पड़ जाते हैं, झाइयों की प्रॉब्लम होती है, उस पर ही यूज करना। आपको मैं ये नहीं बता रहा कि पूरे फेस पे आपको यूज करना है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोल, मोमेंटासोन फ्लोराइड जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब बनाने के साथ साथ हमारी स्किन को इतना रेडनेस या सेंसिटिव बना सकता है। इसलिए आपको ओनली फॉर ज्यादा प्रॉब्लम है ना गाइस, वहां पर इसको यूज करना है। देखो, अगर मैं इसके परचेसिंग के बारे में बात करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अंदर जो यूज करना है, जो फेयर एंड लवली यूज करनी है, वो भी आपको अवेलेबल नीचे मिल जाएगा, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप ओरिजिनल मंगा सकते हो। देखो गाइस, अगर मैं इसका स्किन लाइटिंग और फेयर एंड लवली के बारे में बात करता हूं, देखो गाइस, स्किन लाइट एक ऐसी क्रीम है जिसके बारे में बता दिया कि स्टेरॉइड जो स्किन पर साइड इफेक्ट्स दिखा सकते। अब आपको इसको कैसे क्या यूज करना है मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। देखो गाइस, क्या होता है, हम पूरे फेस पर इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी स्किन पे ज्यादा अगर इसको रेगुलर यूज करने के बाद हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। कभी यार कौन सी स्किन होती है तो उस पर साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाता, बहुत ज्यादा लेट दिखाता है। देखो, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे साइड इफेक्ट्स यहाँ हो चुका है या फिर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको कैसे क्या यूज करना मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर फेयर एंड लवली और आपको स्किन लाइट दोनों को ले लेना, मिक्स करके नाइट में सोते समय, जैसे जहाँ झाइयों की प्रॉब्लम है, ओनली फॉर यही यूज करना। आपको पूरे फेस पे यूज नहीं करना, आपके पूरे फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ आपके प्रॉब्लम आप यूं यूज करना। तो गाइस, आपको जब पिगमेंटेशन जब मेलेनिज्मा वहां यूज करना और उसको दोनों को मिक्स करने के बाद आपको यूज करना, अच्छा कॉम्बिनेशन में आपको मिक्स करना। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, ऐसा नहीं, दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन मिक्स करके ही लगाना है, लेकिन आपको मिक्स करके ही लगाना है। देखो गाइस, आपको सबसे बड़ी अच्छी बात एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों मिक्स होने के बाद स्टेरॉइड की जो मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी और आपकी स्किन पे धीरे धीरे अच्छा खासा रिजल्ट दिखाए। और आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखाने के बाद आपको कैसे क्या छोड़ना मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, आपको इसको धीरे धीरे यूज करके फिर धीरे धीरे छोड़ना, एक ही दिन में आपको नहीं छोड़ना, आपको कैसे क्या छोड़ना मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, आपको एक दिन लगाना, दो दिन नहीं लगाना, दो दिन लगाना, फिर तीन दिन नहीं लगाना, ऐसे यूज करके भाई ऐसे धीरे धीरे आप छोड़ोगे तो आपकी स्किन पर सबसे बेस्ट होगा और आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा और आप छोड़ोगे किसी पर कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपकी स्किन ज्यादा रेडनेस या सेंसिटिव या स्किन पर प्रॉब्लम है तो इसका यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लोगे तो आपकी स्किन के लिए बेस्ट भी होगा। और अगर मैं रियल बताऊँ तो आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपकी स्किन के लिए ही बेस्ट होगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से आपकी स्किन में काफी सारा कोई नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे यूज करोगे तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, साइड इफेक्ट वह आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन पर मेलेनिज्मा की प्रॉब्लम हट सकती है अच्छा खासा। जो ये ट्रिक आपको मैं इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने इसको खुद ने यूज करके एक बार देखी है, क्योंकि गाइस मेरे स्किन पर रेडनेस हो चुकी थी। आपको मैंने काफी टाइम पहले भी थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपको मैंने बताई थी, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब वीडियो थोड़ी लेट आ रही है उसके लिए सॉरी गाइस, अभी नवरात्रि स्टार्ट है तो कल की वीडियो अच्छे टाइम पे आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना।